हेलो, नमस्कार। आज हम देखेंगे और बनाएंगे केले के फूल की सब्जी। ये केले का फ्लावर है, ये देख, ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसके जो टोन पे काला काला लगा है वो इसका हनी है, फ्लावर का हनी। और ये छोटे छोटे उसके फ्लावर हैं केले के, जिनसे केले का केला बनता है। ये छोटे छोटे फ्लावर हैं, ये देखिए, है ना। तो इसको ना, जो थिक लीफ होती है ना, उसको निकाल देना है, और जो आगे का पार्ट है उसको कट कर देना है। ये देखिए, ऐसे मैंने ये कट कर दिया है ना, और इसका ये डंठल है। तो हम है ना, डंठल की भी सब्जी बनाएंगे। ये देखिए, है ना, इसको टू पीस कर लें और इसको क्लीन कर लें। लीफ है ना, जब तक निकालना है जब तक कि है ना सॉफ्ट लीफ ना आ जाए। जैसे तोड़ने से पता लग जाता है ना कि ये नहीं टूट रही है, नहीं कट रही है, तो उसको नहीं लेना है। ये देखिए, ये अंदर का पार्ट निकल आया है सॉफ्ट हमारा। ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये इजीली मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मिले तो ले लेना चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है, हेल्दी सब्जी है ये। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये तुरंत ही है ना काला हो जाता है। तो इसको है ना तुरंत पानी से धोना पड़ता है। जैसे ये देखिए, जैसे हम चाकू का कट लगाते हैं सो ये काला हो जाता है। आप चाकू का कट नहीं भी लगाइए फिर भी ये काला हो जाता है, क्योंकि इसमें आयरन और फाइबर बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। और केले का तो है ना पूरा ही पेड़, तना, फ्लावर, इसके फल, पत्ते सभी यूज में आते हैं इसके। तो ये देखिए, इसको है ना काटना ही मेन है। ये देखिए, जैसे ये मैं ये काट रही हूँ, ये देखिए, इसको खींच के काटते हैं ऐसे, ताकि इसके धागे और इसके थ्रेड है ना निकल आए। बस उतना ही करना है। और ये बहुत ही अच्छी सब्जी है, और किडनी के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए, इसको धीरे धीरे कट करना है, सॉफ्ट तरीके से, जल्दी से खच 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 नहीं करना है, धीरे धीरे कट करना है। तो इसके जो धागे है ना वो है ना आते जाएंगे आगे, उसके रेशे होते हैं ना, क्योंकि इसमें है ना फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और ये किडनी के लिए बहुत ही हेल्दी सब्जी है ये। ये है ना 1 वीक में, 1 मंथ में इसको जरूर खानी चाहिए। वैसे हर जगह अवेलेबल नहीं होता है ये, लेकिन जब भी मिले इसको ले लेना चाहिए। ये देखिए, इसके थ्रेड निकल रहे हैं ना, ये देखिए, ये इजीली निकल आते हैं, बस इसका काटने में थोड़ी सी ट्रिक है। ये देखिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, ये निकल आते हैं। और काटने के बाद जब इसको पानी में डालेंगे ना, तो भी है ना ये है ना फोर्क घुमाएंगे तो भी फोर्क में आ जाएगा ये थ्रेड। ये देखिए, इसको निकाल दीजिए, मुझे पता है इसलिए मैं पहले ही निकाल दे रही हूँ। ये देखिए, फिर हमारे पास है ना खाली इजीली सब्जी रह जाएगी। ये देखिए, ये अपने आप है ना निकल आते हैं, बस इसको क्लीन करना रहता है। और ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन खाने में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। कोई फ्लेवर नहीं है, लेकिन एक फ्लेवर है। केले के छिलके की भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, ये मेरे कट गए हैं, काटते काटते ही ये ब्लैक होने लगते हैं। तो इसको तुरंत है ना हल्दी के पानी में डालना पड़ता है। तो मैंने आधी स्पून हल्दी ली है और इसको पानी में डाल दिया है। और मैं दूसरा ले रही हूँ, दूसरा भी मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ, और मैं तुरंत है ना इसको पानी में डालती जा रही हूँ। ये देखिए, ये चाकू में देख रहे हैं ना, थ्रेड का ये जाला बन गया है पूरा। जब हम धीरे धीरे काटते हैं ना तो ऐसा बन जाता है, मतलब कहने का मतलब है निकल जाता है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, और इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, इसका कोई जवाब नहीं है। साइड डिश के रूप में इसको है ना खाते हैं, और रोटी से भी खा सकते हैं कैसे भी, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनती है इसकी। इसको धो लें अच्छे से, ये देखिए, और इसको है ना हल्दी के पानी में मैंने डाल दिया है। अब ये डंठल है ना इसका, फ्लावर का जो डंठल है उसको भी फेंकना नहीं है, सॉरी। ये देखिए, इसके थ्रेड निकल रहे हैं और मैंने वो भी डाल दिया। तो उसके जो काले काले थ्रेड निकल रहे हैं ना, मैंने 10-12 बार इसके निकाल दिए हैं, तो ये क्लियर एंड क्लिस्टर हो गया है। ये देखिए, और इसको हल्दी के पानी में डाल के रखिए और इसको निकाल लीजिए। सारा हल्दी के पानी से ऐसे है ना, ज्यादा निचोड़ना नहीं है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ये इजीली निकल आता है। और इसको साइड में रख लें।
अच्छे से धुल भी गया हल्दी के पानी में। और इससे हल्दी के पानी में क्यों डालते हैं, ताकि ये काली काला ना हो, इसके लिए इसको हल्दी के पानी में डाल लेते हैं। इसको तुरंत ही पानी में डालना पड़ता है, ये देखिए। और इसको निकाल लीजिए एक प्लेट में। हल्दी थोड़ी सी ज्यादा डालनी पड़ती है। ये निकल आया है, ये देखिए, ये धुल गया है और निकल आया है। इसके लास्ट में जो रेशे रह जाते हैं ना, छोटे छोटे, इनको भी फेंकना नहीं है, क्योंकि ये वेजिटेबल ही है, तो इसको हाथ से निकाल लें, कैसे भी निकाल लें, लेकिन फेंकना नहीं है। ये देखिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, आप निकाल लीजिए, ये देखिए। ये निकल आया है। अब हम है ना, एक पतीले में पानी लेंगे और उसमें फिर आधी स्पून हल्दी डालेंगे हम, ये देखिए। और अब हम है ना, एक पैन लेंगे, मोटे पैन देगा, और उसमें ऑयल डालेंगे जब तक वो गर्म हो रहा है हमारा, ये देखिए। और इसमें ना, जब ये गर्म हो जाए ना पानी, तभी इसमें डालना है ये केले का फ्लावर जो हमने चॉप किया है ना, ये देखिए। और इसको है ना बॉईल आने तक है ना, 2-3 मिनट तक हम पकाएंगे और इसको ढक के रख देंगे। और इसको ढक के रख दीजिए, ये सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, हाई फ्लेम रखना पड़ेगी इसमें। इसको चला दीजिए और ढक के रख दीजिए, तो मैंने 3-4 मिनट में ही रेडी हो जाएगा, 4 मिनट में। और इसको ढक के रख दीजिए। जब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं, तेल हमने रख दिया है स्लो गैस पे, और अब हम प्याज काट लेते हैं। रफली चॉप करना है प्याज, एक ऑनियन ले लें, दो ले लें, आप तीन ले लें, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आप पसंद करते हैं, इसमें प्याज है ना डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं एक ही ले रही हूँ। और है ना, 4-5 पोथी है ना हम लहसुन की लेंगे। और 6-7 पोथी ले लें, 8 पोथी ले लें, सर्दियां चल रही हैं अभी, तो है ना 8-10 भी ले सकते हैं हम। और अब लहसुन है ना रफली चॉप करेंगे, बस कट लगा लीजिए और कट कर लीजिए। रफली चॉप प्याज करना है, रफली चॉप ही गार्लिक करना है। इससे आपकी सब्जी में ना टेस्ट है ना, एक अलग ही टेस्ट आता है। देखिए, हमारे लहसुन और प्याज रेडी हो गए हैं, और हमारा तेल भी गर्म हो रहा है, और उधर हमारा फ्लावर भी बॉईल हो रहा है ना, तो सारी तैयारियां है ना साथ में चल रही हैं। ये हो, ये देखिए। अब इसको है ना टेस्ट कर लीजिए, ये देखिए, ये है ना 3-4 मिनट में हो जाता है, बॉईल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही बारीक चॉपिंग की है ना, ये देखिए, है ना हाथ से टूट रहा है, गल रहा है, तो मानो कि हो गया। और उसको उसी में रखे रह दीजिए गर्म पानी में। अब हम है ना जीरा लेंगे और राई लेंगे थोड़ी सी। ये देखिए, राई, जीरा और लहसुन और प्याज डाल दिए हैं मैंने। आधी, ज्यादा जीरा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और प्याज हमारी हो गई है। अब हमें ना प्याज को ब्राउन नहीं करना है, तुरंत ही ये गर्म है ना फ्लावर उसमें डाल देना है। उसमें से निकाल लिया आप जज्जर में, और इसको है ना डाल दीजिए। और मैं हींग नहीं डाली थी, मैंने अभी हींग डाल दी है, ये देखिए। और इसको हाई फ्लेम पे हमको चलाना है। हमने फ्लावर बॉईल करते समय नमक नहीं डाला था, नमक हम इसमें डालेंगे, ये देखिए। अब हम नमक डालेंगे इसमें, छोटी स्पून ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये लग रहा है कि ये क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन पकते पकते ये कम रह जाता है, तो नमक डालना है। और हल्दी हमने धो लिया है और बॉईल कर लिया है, तो हम हल्दी नहीं डालेंगे इसमें, खाली नमक डालेंगे, ये देखिए। और इसको रख दीजिए हाई फ्लेम पे, ये पकेगा अभी 3-4 मिनट, है ना, 5 मिनट लग जाएंगे इसको पकते पकते। एक एक दो दो मिनट के बाद इसको चला दीजिए और स्लो कुकिंग में इसको होने दीजिए। पानी नहीं डालना है, जो इसके फ्लावर में पानी है बॉईल करते समय, उसी में ही ये पकेगा। और अब हमने नमक डाला है और इसको ढक के रख दीजिए, ये देखिए। फिर हम चलाएंगे, ये देखिए कितना ज़्यादा दिख रहा था ना, अब ये कम रह गया है, इसको चलाते रहेंगे, है ना, ये देखिए। अब हमें ना, ये बन गई है सब्जी हमारी ऑलमोस्ट। अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे,
छोटा स्पून, आधी स्पून ही रेड चिल्ली पाउडर डाला है मैंने, नमक, मिर्ची, हींग, जीरा और राई, प्याज और लहसुन, बस। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं लेकिन इसका टेस्ट और जो फ्लेवर है बहुत ही उभर के आता है, ये देखिए। और इसको साइड डिश के रूप में इसको खा सकते हैं, हम तो रोटी से खाते हैं इसको, चपाती से, पराठे से, ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है और ना ये किडनी के लिए बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि इसमें ना भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो हमारी किडनी को क्लीन करता है, ये देखिए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये, अगर आपको केले का फूल कहीं मिलता है तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी सब्जी है। साउथ में तो इसको हर तीसरे दिन बनाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर तो केले बहुत होते हैं, अपने नॉर्थ में तो होता नहीं है ये केले, लेकिन जब भी मिले इसको ले लेना चाहिए, जिनको पता है वही लोग बनाते हैं।